भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी घुटई ने जिले की राजनीति से आहत होकर कल रात विभिन्न आरोपों को लेकर जिला कार्यालय के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस घटना ने बुंदेलखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। पंकज तिवारी, जो भाजपा के एक सक्रिय और जमीनी कार्यकर्ता हैं, के इस कदम से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में चिंता की लहर दौड़ गई। धरना स्थल पर राज्य जलशक्ति मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक राकेश गोस्वामी, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर सहित भाजपा के शीर्ष पदों पर बैठे जिम्मेदार पहुंचे और पंकज तिवारी की समस्याओं को सुना। उन्होंने पंकज तिवारी को आश्वासन देते हुए उनके साथ धरना प्रदर्शन खत्म कराया। मंत्री रामकेश निषाद ने बताया कि यह भाजपा का पारिवारिक मामला है और किसी व्यक्तिगत बात को लेकर पार्टी के सदस्यों के बीच अनबन हो गई थी, जिससे आहत होकर पंकज तिवारी ने यह प्रदर्शन किया था। मंत्री ने कहा, अब मामला सुलझा लिया गया है और धरना समाप्त कर दिया गया है। यह पार्टी के भीतर का मामला था और अब सब कुछ सामान्य है। इस धरना प्रदर्शन और उसके समाधान से जुड़ी खबरों ने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है और इस घटना पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इतनी गलत विधि से आपकी विधानसभा में हम रहे, हम रात में काम करते, बस आपका तो सम्मान भी ना बचा पाए। विधायक जी को भी हमने बचा, विधायक जी को भी हमने पूरी बात बताई और एक सिंडिकेट बना के काम कर रहे हैं। सबका सम्मान उनको करना ही पड़ेगा, कभी गाली देते हैं, आज तक हम शिकायत उनकी नहीं करने गए, सफाई दे रहे। कारण, आप जिले के सम्मानित पत्रकार हैं, लगातार आप सबके द्वारा देखा जा रहा है कि महोबा जिले में कई घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने जिसमें कार्यकर्ता का उत्पीड़न हुआ है। इसके अलावा जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी है, उनके पूरे अभी तक के शासन काल में मैं जिलाध्यक्ष जी की का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन भाजपा हमारी माँ है। सम्मान के चक्कर में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लुटपिट रहा है, पार्टी में कार्यकर्ता उपेक्षा का शिकार हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी कहती है कि हर कार्यकर्ता को काम, हर कार्यकर्ता को सम्मान, हर कार्यकर्ता को काम मिलना चाहिए, हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ व्यक्ति विशेष को काम, व्यक्ति विशेष को सम्मान ये जनपद में चल रहा है। एक सिंडिकेट टाइप के लोगों ने जिलाध्यक्ष जी को घेर के रखा है, तो जनपद के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पार्टी से दूर करने का काम कर रहे हैं। आपके द्वारा एक अनशन करवाया गया, किस बात को लेकर धरने में बैठे थे पंकज तिवारी? ये घर का विषय है, उसको अपनी व्यक्तिगत किसी से नाराजगी रही होगी, उसको दूर किया गया और कोई ऐसा विषय नहीं था, इसलिए मान गए हैं। कोई ऐसा विषय नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ साथी हैं, सभी का सम्मान करते हैं, सभी का साथ देते हैं। ऐसे कार्यकर्ता हमारे पंकज तिवारी जी हैं, निश्चित रूप से उनकी जो किसी के व्यक्तिगत कहने पर ठेस पहुंची है, तो उनका सम्मान हमेशा रखा गया है और आगे भी रखा गया।